फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गीताज खाना में। आज हम खाना जी के लिए एक ड्रेस बना रहे हैं जो हम ड्रेस फ्रिल से बनाएंगे। मैं एक ही कलर से फ्रिल बनाऊंगी, हम ये लाइट कलर का यूज करेंगे। मैं इसी से पूरी ड्रेस बनाऊंगी और बुकरम का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, कपड़े के अंदर से हम करीब डेढ़ से दो इंच की फ्रिल की पट्टियाँ निकाल लेंगे। आप छोटी पट्टी भी निकाल सकते हैं। देखिए, इस तरह की पट्टियाँ निकाल लेंगे। देखिए, हम बुकरम से अपना घेरा निकालेंगे। हम ये 5 इंच का घेरा रखेंगे। ये हमारी 4 से 5 नंबर कान्हा जी को ड्रेस आ जाएगी आराम से। हम इस हिसाब से ड्रेस बना रहे हैं, तो 5 इंच का घेरा रखेंगे। डबल कर लिया और इसको एक बार और टर्न कर लेंगे, यानी कि इसके हमने 4 फोल्ड कर लिए। देखिए, यहाँ से इसको 5 इंच लेंगे, इधर से भी 5 इंच लेंगे। देखिए, 5-5 इंच पे इस पे हम निशान लगाते चलेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। घेरा निकल गया, आप इसके ऊपर कपड़ा लगा सकते। देखिए, यहाँ से 1/2 इंच लेंगे ऊपर से और 1/2 इंच इधर से लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी कमर की कटिंग हो गई, एक साइड की कटिंग कर लेंगे कि ये हमारा घेरे की कटिंग हो गई है। पट्टी के अंदर प्लेटें डाल लेते हैं। सबसे पहले हम अपने केस में इस तरह से प्लेटें डालते जाएंगे और सभी पट्टियों के अंदर प्लेटें डाल के इसी तरह से फ्रिल की पट्टियाँ बना लेंगे। कपड़े से कवर कर सकते हैं अपने बुकरम को। मैंने इसको ऐसे ही रखा है, मेरी 1 इंच के करीब छोड़ के फ्रिल रखेंगे, सिलाई लगा देंगे। करीब 1/2 इंच हमारी फ्रिल बाहर भी निकली है और छोटी बड़ी फ्रिल होगी तो उसको बराबर कर लेंगे। देखिए, मैंने कलर कंट्रास्ट लिया है, कलर लूँगी। देखिए, फ्रिल अलग अलग है हमारी, हम उसको इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे फ्रिल के ऊपर ही रखेंगे एकदम। देखिए, फ्रिल को कट कर लेंगे यहाँ से। देखिए, करीब 1 इंच ऊपर फिर से फ्रिल लगानी शुरू कर देंगे अपनी। देखिए, इस तरह से लगाएं कि हमारे नीचे वाली सिलाई जो है वो नजर ना आए। देखिए, 1 इंच का ही गैप रखेंगे, 1 इंच हमारा ऊपर बचा हुआ है। यहाँ से फ्रिल लगा देंगे तीसरे राउंड के। देखिए, हमने इसमें 4 राउंड हमारे हो जाएंगे। फ्रिल की कटिंग कर देंगे, एक फ्रिल ये कमर के घेरे से टच करके लगाएंगे। देखिए, हमारे घेरे के अंदर हमने 4 रो फ्रिल की लगाई हैं, 1, 2, 3 और ये 4 रो लगाई हैं। अब हम साइडों में पट्टी लगा लेते हैं। देखिए, हम ये डबल पट्टी लेंगे, अस्तर का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, पट्टी डबल ले लेंगे। इस तरह से उल्टी साइड लगाएंगे। देखिए, आप चाहे तो इसमें अस्तर लगा सकते हैं, मैं अस्तर ही लगा रही हूँ। उल्टी साइड लगा देंगे पहले। ये करीब 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो कपड़ा कटिंग किया है उसको अंदर टर्न करेंगे और इसको देखिए दूसरी साइड भी इसी तरह से लगाएंगे। इसे मैं नीचे पट्टी रख रही हूँ। इसको देखिए एक बार टर्न करके इसमें भी सिलाई लगा देते हैं। देखिए, 10 से 12 इंच की एक पट्टी ले लेंगे, इसकी डोरी बना लेते हैं। दोनों तरफ से टर्न करके इस तरह से सिल देंगे। देखिए, कपड़ा ले लेंगे चकोर, उसके मैंने 2 फोल्ड कर लिए और कर लेते हैं 2 फोल्ड और इसको यहाँ पे हम इसको फोल्ड साइड नीचे रखेंगे, ट्रायंगल शेप में टर्न करेंगे। इस तरह से इसको सिल देते हैं। देखिए, एक बार टर्न किया इसको, दोबारा से ट्रायंगल इस तरह से टर्न कर दिया, यहीं पे अपनी डोरी रखेंगे, सिल देते हैं। देखिए, इस तरह से हमारे बन गए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर देंगे। देखिए, हमने डोरी के दोनों साइड लगा दिए हैं। देखिए, पट्टी लेंगे, एक मैं डबल ही पट्टी ले रही हूँ, जितना हमारा घेरा है घेरे से नाप के। देखिए, घेरे से नाप के आप इंची टेप से नाप के टर्न कर लीजिए। देखिए, एक बार टर्न करेंगे, दोबारा टर्न करके इसमें सिलाई लगा देते हैं। देखिए, पट्टी हमने डबल ली है, घेरे पे लगाएंगे। नीचे की साइड रख रही हूँ मैं, पट्टी को उल्टा रखा है।
इसी के अंदर अपनी डोरी रखेंगे। देखिए एक बार टर्न करेंगे, दोबारा टर्न करके सिल देते हैं नीचे की सिलाई। इस तरह से लगाएं कि डोरी भी ना सिले हमारी और सिलाई भी नजर ना आए। देखिए ये हमारा घेरा बनकर तैयार हो गया है। हम एक चोली बना लेते हैं। देखिए चोली बनाने के लिए जो हमारी फ्रिल की पट्टी बची हुई, जो पट्टी ये हमारी 5 से 5.5 इंच की पट्टी है, ये हम ले लेते हैं। तो ये करीब 1.5 इंच की हमने पट्टी ली है। डबल पट्टी लेंगे, नीचे रख लेते हैं, प्लेटें सही से रहेंगी। देखिए इस तरह से नीचे रख के पट्टी लगा देते हैं। देखिए इसको एक बार टर्न करेंगे, दोबारा टर्न करके इस तरह से इसमें सिलाई लगा देते हैं। देखिए ये हमारी पट्टी, हमने फ्रिल के अंदर एक पट्टी लगाई है। देखिए फ्रिल को आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से भी, मैं भी ये थोड़ी छोटी कर रही हूँ। देखिए आप और छोटा भी कर सकते हैं इस पट्टी को। इसी तरह से हमारी चोली की पट्टी, देखिए हमारा घेरा और चोली की पट्टी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी तरह से। देखिए ये इस तरह के मेरे पास पड़े हुए हैं सामान थोड़े से, तो मैं ये लगाऊंगी ड्रेस के अंदर। देखिए इसी तरह से हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। ये जो हमारी चोली है, देखिए इसको हम इस तरह से यहाँ पे भी इसको जॉइंट कर सकते हैं। इस तरह से हम कान्हा जी को सीधा पहना सकते हैं इसको। और देखिए लटकन हमारे पास पड़ी हुई है, मैं ये लटकन लगा देती हूँ। कोई भी स्टोन मोती या कुछ भी आप लगा सकते हैं। देखिए ये हमारे सामने आ जाएगी नेक पे। देखिए इस तरह से हम कान्हा जी को ये ऊपर से ही पहना सकते हैं। देखिए इसी तरह से हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। तो आपकी फ्रिल वाली ड्रेस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो आप प्लेटें अपने हिसाब से आप थोड़ी छोटी छोटी पट्टियों से भी बना सकते हैं। हमारी 4 आई हैं, आपके 5 राउंड आ सकते हैं, 6 राउंड आ सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्रेस बनाएंगे, तरीका यही होगा लेकिन बनाने का। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये ड्रेस बना लेंगे। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।